इटावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा होली पर्व के दृष्टिगत भारी पुलिस बल के साथ शहर में पैदल गश्त किया गया। इटावा में होली के पावन पर्व पर शांति माहौल बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध क्षेत्राधिकारी नगर एवं थाना कोतवाली पुलिस के साथ शहर के क्षेत्र में होली पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत रेलवे स्टेशन, भीड़भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, चौराहों आदि में ड्रोन कैमरे के जरिए सतत निगरानी रखते हुए पैदल गश्त कर होलिका दहन के स्थानों को चेक किया गया तथा ड्यूटी में लगे समस्त पुलिस कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने हेतु निर्देशित किया गया एवं आम जनता से संवाद कर होली के पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील कर उनको सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया गया। शांति व्यवस्था ड्यूटी हमारी लगी हुई है और 7 तारीख आज है और कल होली का पर्व है, आज सभी बारात का भी पर्व है और होलिका दहन का भी पर्व है, तो इस अवसर पर ड्रोन के माध्यम से हम हर मोहल्ले में जो छतों पर क्या रखा हुआ है, क्या नहीं रखा है, शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से उसका फोटो और उसका हम कवरेज कर रहे हैं। साथ ही साथ इससे एक पब्लिक में एक विश्वास का भाव भी पैदा होता है, कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है पुलिस के प्रति और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग भी मिलता है। तो निश्चित तौर से ड्रोन का जो इस्तेमाल है वो मैं आज कर रहा हूँ और यहाँ पर पूरी फोर्स की उपस्थिति में और आप लोगों की उपस्थिति में ये ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा अराजक तत्वों को नियंत्रित करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है, ताकि हम सकुशल सारे त्यौहार को हम मना सकें और एक अच्छा मैसेज भी दे सकें। साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि होली और शबे बारात एक बहुत ही शांति का पर्व है, आपसी मोहब्बत और प्यार का पर्व है, त्याग और तपश्चर्या का पर्व है। लोगों से अपील करता हूँ कि नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएँ, 3 सवारी ना चलाएँ, लड़के ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएँ। होली और जो त्यौहार होगा निश्चित तौर से बहुत अच्छे ढंग से संपन्न होगा और आप लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। साथ ही साथ सभी को गुजिया और शबे बारात पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। शहर में लगभग हमारी 1000 से ऊपर पुलिस फोर्स लगी हुई है, 2 प्लाटून PAC भी लगी हुई है, बाकी 2 सुपर जोन है, 5 जोन है और 20 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही साथ शबे बारात की अलग ड्यूटी लगाई गई है, होलिका दहन जो 2100 स्थान पर लगी हुए है, सभी चौकी इंचार्ज, सभी थानाध्यक्ष, सभी CO साहबान द्वारा जगह जगह जाकर के विजिट कर लिया गया है तथा यह भी निर्देशित किया गया है कि कहीं पर कोई समस्या आती, कोई तार नीचे है या कोई PWD की रोड भी खराब है तो संबंधित को विभाग को हम लोगों ने पत्र भी लिखा है, इवन CMO से भी संपर्क किया है कि अगर कोई अनुकूल स्थिति पैदा होती है तो अच्छा से अच्छा इलाज भी कर सकें। बाकी मैं आपसे फिर अपील करूँगा कि लोग सावधानी से होली मनाएं और प्यार और मोहब्बत से रहें और आपसी भाईचारे की अभिवृद्धि करें। पैदल मार्च भी कर रहे हैं हम लोग सारी पुलिस फोर्स और साथ ही साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन का इस्तेमाल अभी हम इस समय रेलवे स्टेशन पर भी कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन इटावा पर भी कर रहे हैं और उसका मूल उद्देश्य वही है जो मैंने पहले भी बताया कि सुरक्षा और लोगों को आत्मविश्वास पैदा करना, लोगों के दिल में हृदय में कि त्योहारों के मद्देनज़र पुलिस सतर्क है और व्यवस्थापन बड़े उच्च कोटि का किया गया है, लोगों के छतों पर क्या क्या रखा गया है, क्या क्या आपत्तिजनक चीज़ हो सकती है या अराजक तत्व कोई है तो निश्चित तौर से हम उस पर वॉच कर सकते हैं इसके माध्यम से। साथ ही साथ फोर्स के चलने से जो हमारा फ्लैग मार्च है त्योहारों पर चलने से पब्लिक में एक अच्छा मैसेज भी जाता है, साथ ही साथ हमारी जो है एक जो एक्सेसिबिलिटी होती है हर पब्लिक तक पहुंचती है, लोगों में एक विश्वास का भाव पैदा होता है, इसी उद्देश्य से जो है ये ड्रोन का हम लोग संचालन आज कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके अलावा 8 स्थान और भी हैं जहाँ पर हम ड्रोन को अभी चलाएंगे, विभिन्न शहर के स्थान हैं जिससे जो है कि पब्लिक को एक अच्छा मैसेज जाए और शांति व्यवस्था बनाए रखने में पूरा इटावा शहर में सहयोग।